Dear student, once again you are most welcome in my lecture. बच्चों हम आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बता रहे हैं. क्या बता रहे थे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन. और ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हमने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समाप्त कर दिया था. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समाप्त कर दिया था और उसके बाद मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो मेरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होगा. तो आज मैं आपके लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेकर आया हूं. तो जल्दी से आप सब लोग हेल्दी मन से खुश होकर कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं और मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल बता दूं. क्लियर? तो सबसे पहले ये व्हाइट बोर्ड पर देखें, मैंने ये पूरा डायग्राम आपको बना रखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. क्लियर है? इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आपको बनाना है. आप जरूर ड्रा करिएगा क्योंकि डायग्राम ड्रा कर लेंगे तो आपका आधा तैयार. एग्जाम में जान लीजिए कहा गया बायो इज द स्टडी ऑफ फिगर एंड चार्ट. बायो इज द स्टडी ऑफ फिगर एंड चार्ट. अगर आपने डायग्राम बना दिया तो समझ लीजिए कि आधा आपने काम कर दिया. और डायग्राम पे बना लेंगे तो आप अपने से पूरा डिटेल कर सकते हैं. तो आइए हम डिस्कस करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम ध्यान से देखें पूरा डायग्राम जो बना रखा है उसमें अगर हम आपको डिस्कस करने के लिए सब डिटेल बताएं तो हम पूरे के पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम कुल 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. कितने? कुल 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. पहला ओवरी, दूसरा ओविडक्ट, तीसरा यूटेरस, चौथा वेजाइना, पांचवा एक्सटर्नल जेनिटेलिया और छठवां एसेसरी ग्लैंड्स. क्लियर हुआ? इनमें से कुछ चीजें यहां डायग्राम बनी है और कुछ चीजें आपको नहीं है जो हम आपको अगली बार दिखाएंगे. पहली चीज ओवरी, नंबर एक पे ओवरी. तो ओवरी में आप ध्यान दीजिए कि ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल के. फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी. क्लियर? जैसे मेल में मैंने बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन ऑर्गन जो प्राइमरी ऑर्गन था उसे हमने कहा था टेस्टिस. उसी प्रकार से फीमेल में ओवरी जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है. और अगर आप इसको देखें कि एक नंबर की ओवरी मैंने आपको यहां ड्रा कर रखी. क्लियर है? एक नंबर की ओवरी. इसके बाद ये हमने नंबर शो भी कर रखा है एक नंबर. दूसरे नंबर पर ओविडक्ट जो कि यहां से उठेगा ये पूरा यहां तक जाएगा. क्लियर? और तीसरे नंबर पर यूटेरस जो आपको यहां से यहां तक दिख रहा है यूटेरस. और उसके बाद वेजाइना. वेजाइना ये नीचे से ट्यूबुलर कैनाल वेजाइना. और एक्सटर्नल जेनिटेलिया आपको नहीं दिखेगा. क्यों? एक्सटर्नल जेनिटेलिया ये फीमेल के वो सेक्स ऑर्गन्स हैं जो बाहर से दिखाई देते हैं. क्लियर? और एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड में आप मेमरी ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड ले सकते हैं और तमाम और इस टाइप की ग्लैंड जो सेक्स ऑर्गन के लिए हेल्प करने का काम करती हैं और रिप्रोडक्टिव सिस्टम तैयार होता है. क्लियर? तो ये ओवरी, ओवरी डायग्राम आप देख रही है. जरा सा ये ध्यान दीजिए पहले ये ओवरी है कहां पर. फीमेल में ये ओवरी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, बल्कि हम ये कहें कि लोअर एब्डोमिनल कैविटी में. एब्डोमिनल कैविटी तो पूरी हो गई लेकिन ये लोअर एब्डोमिनल कैविटी में अर्थात एब्डोमिनल कैविटी के लोअर रीजन में ये यूट्रस के दोनों, यूट्रस के दोनों पेल्विस रीजन में स्थित होती है. क्लियर हुआ? कि ये जो दोनों ओवरी हैं एब्डोमिनल कैविटी के लोअर पोर्शन में यूट्रस के दोनों ओर पेल्विस रीजन में उपस्थित होती हैं. और बल्कि हम आपको ये बताएं कि ये दोनों ओवरी पेल्विस वाल से मीजोवेरियम नामक झिल्ली से अटैच होती है. क्लियर? ये पेल्विस वाल से मीजोवेरियम नामक झिल्ली से अटैच होती है. अगर हम इस ओवरी की बात करें तो ओवरी की कुल साइज कितनी होती है? 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी. हमने आपको शो कर रखा है
ओवरी की वाल 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है ओवरी, कुल लेंथ कितनी होती है 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर हम थिकनेस की बात करें तो 8 मिलीमीटर एमएम ये थिकनेस की होती है, क्लियर। और ये जो ओवरी है इनकी वॉल किसकी बनी होती है, जर्मिनल एपिथेलियम की आउटर लेयर। आउटर लेयर क्या होती है, जर्मिनल एपिथेलियम की। हम आपको बताएं कि पूरी की पूरी ओवरी की वॉल 3 लेयर की बनी होती है। कितने लेयर की बनी होती है, 3। इसकी आउटर मोस्ट लेयर कहलाती है जर्मिनल एपिथेलियम, और जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर की जो दूसरी लेयर होती है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या होती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और उसके अंदर इनर मोस्ट लेयर जो होती है उसे हम बोलते हैं कॉर्टिकल स्ट्रोमा। कोई दिक्कत, ये नीट के क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा कि ओवरी वॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, अपर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज जर्मिनल एपिथेलियम। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जर्मिनल एपिथेलियम क्यूबॉइडल होती है, अर्थात घनाकार कोशिकाओं या क्यूबॉइडल सेल की बनी होती है, क्लियर। इसके अंदर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर कॉर्टिकल स्ट्रोमा, क्लियर। ये 3 लेयर होती हैं। और एक चीज हो जाती है, जो मेन ओवरी है जिनको कि हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं, उसका रीजन क्या है, ओवरी को प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन कहने का मतलब यह है कि लगभग फीमेल का सारा कुछ इन्हीं ओवरी से क्लियर होता है। ओवरी का मेन काम क्या है, ओवरी का मेन फंक्शन टू प्रोडक्शन ऑफ ओवा, प्रोडक्शन ऑफ ओवा अर्थात ओवा बनाने का काम होता है। ओवा बनाने का पहला काम महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज, ये ओवरी 2 हार्मोन का भी सिक्रेशन करती है, और 2 हार्मोन में पहला हार्मोन तो ईस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, ईस्ट्रोजन हार्मोन। और दूसरा हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन। कौन सा, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन। ध्यान रखिएगा इस बात को, ओवरी का पहला काम प्रोडक्शन ऑफ ओवा, ओवरी का पहला काम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ओवा, और दूसरा काम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स। और इन सेक्स हार्मोन में 2 मेन हार्मोन होते हैं, और वो 2 मेन हार्मोन कौन कौन से होते हैं, पहला ईस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन क्या काम करता है, ईस्ट्रोजन का मेन काम है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को शो करना। सेकेंडरी मेन कैरेक्टर्स क्या है, सेकेंडरी मेन कैरेक्टर जब ओवरी एक्टिव हो जाती हैं, ये ओवरियन जो एक्टिव हो जाती हैं, इसका सेकेंडरी कैरेक्टर्स जैसे ब्रेस्ट का डेवलप होना, आवाज का पतली होना, ठीक, और तमाम ऐसे और लक्षण जो कि लड़कियों में शो होते हैं आफ्टर 12 ईयर 13 ईयर पे, तो वो सारे के सारे कैरेक्टर्स किसके द्वारा है, ईस्ट्रोजन। अच्छे से याद कर लीजिए इस बात को कि ये अच्छे से आप याद करेंगे कि ईस्ट्रोजन के कारण ही फीमेल में सेक्स कैरेक्टर्स या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स शो होते हैं, क्लियर हुआ। दूसरा हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या है, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है, क्लियर हुआ। ये हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है। तो ये दोनों मेन हार्मोन है, यही इसका इनका मेन काम है, क्लियर हुआ। कोई दिक्कत नहीं, अब तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर या एनाटॉमी ऑफ ओवरी को हम आपको अलग से एक लेक्चर में पूरा बताएंगे। अभी हम पहले जो यहाँ पर विजुअल है जो दिख रहे हैं उतने ऑर्गन्स को और उनके कैरेक्टर को अच्छे से देख लें। पहला कैरेक्टर क्या है कि ओवरी, ओवरी कहाँ है, एब्डोमिनल कैविटी में। ओवरी आर सिचुएटेड इन साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ओवरी आर सिचुएटेड इन साइड दी वुमेन्स एब्डोमिनल कैविटी और लोअर साइड बोथ साइड ऑफ दी यूट्रस, क्लियर। और ये अटैच किससे होती हैं, ये अटैच मीसोवेरियम नामक मेम्ब्रेन से, पेल्विस वॉल से अटैच होती हैं। और ये मेनली मुख्य रूप से 2 हार्मोन सेक्रेट करती हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन सेक्स मेल सेक्स फीमेल के कैरेक्टर्स को शो करती हैं, अर्थात ब्रेस्ट वगैरह और जो चीजें, आवाज का पतली होना, कमर भाग का चौड़ा होना, ये सारे के सारे ईस्ट्रोजन हार्मोन के इफेक्ट से ही कैरेक्टर्स आते हैं, ठीक।
और प्रोजेस्टेरॉन ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करती है, कोई दिक्कत नहीं। ओवरी की साइज मैंने बताया 2-4 सेंटीमीटर, थिकनेस 8 mm की होती है, जर्मिनल एपिथीलियम इसकी आउटर मोस्ट लेयर है और जर्मिनल एपिथीलियम क्यूबॉइडल होती है, अर्थात घनाकार कोशिकाओं की बनी होती है। इसके अंदर ट्यूनिका एल्बिजिनिया और उसके अंदर कॉर्टिकल स्टोमा लेयर, क्लियर। तो ये मेन था, अब हम आ जाते हैं दूसरे ऑर्गन पे जो कि ओविडक्ट। मेन ऑर्गन कौन सा था? ओवरी। अब हम लेते हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट अगर ध्यान से देखें तो ये ओविडक्ट यहां से शुरू होती है और थिन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। शुरुआत में तो ये फनल शेप में होती है, फनल शेप का मतलब प्रारंभ में चौड़ी और पीछे जाकर पतली होती है। फनल जानते हैं, फनल मेरे पास होगी, हम दिखाते हैं आपको, ये फनल देख रही है। तो जो इनिशियल हिस्सा, जो ये हिस्सा दिख रहा है आपको, ये फनल जैसे ऐसे होगी और पीछे जाकर ये पतली हो गई, क्लियर। तो ये ऐसे समझिए आप, ये फनल शेप स्ट्रक्चर है और ये भी कटी हुई या यूं कहें कि फिम्ब्रिएटेड फनल, ये जो दिख रही है आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये उभरी हुई है, अर्थात हम इसको ऐसे कह सकते हैं जैसे ये इस तरह हमारा हाथ, देखें आप हाथ ऐसे, ये फिंगर जो बनी है ये फिंगर फिम्ब्री, क्या कहलाएंगे, फिम्ब्री, ये मैंने नोट कर रखा है। और पीछे जाकर ये नैरो हो जाएगी और ये पतली होकर जाएगी यूट्रस में मिले, क्लियर। हम आपको इसको बता दें, इसको किसको, इसको मतलब किसको, इसको मतलब ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब क्यों कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे सबसे पहले ऑब्जर्व किया था एक साइंटिस्ट थे, गैब्रियल फैलोपियस, क्या नाम था, गैब्रियल फैलोपियस। उन्होंने सबसे पहले से 1561 में इसे देखा था, इसीलिए ऑब्जर्व किया था, थी तो हमेशा, लेकिन सबसे पहले उन्होंने इसे ऑब्जर्व करके इसको मेंशन किया था, तभी से इसको हम क्या नाम, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट नेम इसे ले गए फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते, क्लियर। ये फैलोपियन ट्यूब स्टार्टिंग में फनल शेप में ये आपको दिख रही है। फनल शेप का फायदा क्या है, ये ओवरी क्या करती है, ओवा बनाती है, ओवा बनाने के बाद ओवा को रिलीज करेगी, और जब ओवा को रिलीज करेगी, ओवा छोड़ेगी, उस समय ये फनल ऐसे है, अर्थात ये पूरा का पूरा इस ओवा से निकलने वाले मटेरियल को कैप्चर करने के लिए तैयार है, क्लियर बात। तो ये देखना इस तरह से, यहां से आएगी ऐसे आएगी, इस पूरी की पूरी ट्यूब को फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसे गैब्रियल फैलोपियस नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, या सबसे पहले उन्होंने इसे ऑब्जर्व किया था, इसीलिए हम इसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। अगर इसकी हम बात करें तो ये लगभग यहां से आता 10 से 12 सेंटीमीटर की लंबाई की होती है, कितने, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई की होती है, और पूरी की पूरी फैलोपियन ट्यूब, पूरी की पूरी ये जो ओविडक्ट है, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। इसका जो शुरू का हिस्सा है वो इनफंडिबुलम कहलाता है, शुरुआत ऐसा, ये इनफंडिबुलम ये लिख रखा मैंने इनफंडिबुलम, और इसके पीछे का हिस्सा एम्पुला, और उसके पीछे का हिस्सा जो कि यूट्रस में खुलता है उसे बोलते हैं इस्थमस, क्या बोलते हैं, इस्थमस, याद रखिएगा। जो फिम्ब्री के नजदीक, जो फिम्ब्री, इसीलिए फिम्ब्रिएटेड फनल है, व्हाई, बिकॉज हियर फिम्ब्री आर प्रेजेंट, क्लियर। तो ये हिस्सा कहलाता है इनफंडिबुलम। अगर हम फनल की बात करेंगे तो फनल में ये जो है ये हिस्सा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इनफंडिबुलम, और पीछे का हिस्सा जो कहलाएगा वो कहलाएगा एम्पुला, क्या कहलाएगा, एम्पुला, और आगे बढ़ेगा तो उसको हम बोलेंगे इस्थिमस, क्लियर हुआ। तो ये फिम्ब्री, इसके पीछे का इनफंडिबुलम, उसके पीछे का एम्पुला, और इसके पीछे का इस्थिमस, इस्थिमस सीधे खुलता है कहां, ये जा रहा है यूट्रस में, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो फर्टिलाइजेशन होता है क्वाइटस के बाद, क्वाइटस की क्रिया के बाद यहां से सीमेन आएंगे मेल के,
और ये इस पोर्शन यहाँ से होते हुए कहाँ पहुंचेंगे, इसमें, और इसमें जाने के बाद यहाँ से ओम निकलेगा, ओवम और स्पम दोनों फ्यूज करेंगे, और फ्यूज जहां पर करेंगे वो पोर्शन, वो प्लेस होता है एम्पुला और स्टिमस का जंक्शन। क्लियर, जहां पर एम्पुला और स्टिमस का जंक्शन प्लेस होता है उसी स्थान पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। क्लियर हुआ, तो यहां पर अच्छा एक और ध्यान रखिए कि इसकी इनर वॉल सीलिएटेड एपिथेलियम की बनी होती है, सीलिएटेड, और सारे सीलिया अंदर की ओर मूव करते हैं, इधर की ओर फ्लो करते हैं, जैसे ऐसे होते हैं रोए, जैसे होते ना इधर कोई चीज जाए इधर, इधर से इधर नहीं जाए, तो ये रोए जैसे बना रखा है स्ट्रक्चर। अगर यहां से कोई चीज निकलेगा ओवम आएगा, कोई चीज क्या केवल ओवम रिलीज होगा, ये ओवम जब यहां आएगा यहां से इधर से फ्लो होकर आगे बढ़ेगा, और इधर से आएगा स्पर्म, तो स्पर्म और ओवम दोनों फ्यूज कहां पे करेंगे, जहां पर एम्पुला और स्टिमस का जंक्शन होता है, इसी जंक्शन प्लेस पर दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो अब ये बनने वाला जाइगोट कहां जाएगा, आगे बढ़ेगा कहां पे, यूट्रस, और नहीं हुआ तो यहां से ये केवल ओवम निकलेगा बाहर और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में बाहर निकल जाएगा। क्लियर हुआ, तो बात क्लियर हो गई। इसमें दो तीन क्वेश्चन बने, पहली चीज तो इसका इनिशियल पोर्शन क्या है, ये पहला हिस्सा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पहला हिस्सा कहलाएगा फिमरी और उसे कनेक्टेड इन फंडिबुलम, उसके बाद का हिस्सा एम्पुला और इसका सबसे पीछे का हिस्सा स्थिमस। कोई अगर आपसे पूछे कि इसमें फर्टिलाइजेशन कहां होता है, तो फर्टिलाइजेशन आप ये कहेंगे कि फर्टिलाइजेशन एम्पुला और स्थिमस के जंक्शन प्लेस पर। क्लियर हुआ, इसकी इनर वॉल सीलेटेड एपिथेलियम की बनी होती है, बनने वाला ओवम ये पीछे मूव करेगा और मूव करने के बाद अगर फर्टिलाइज हो जाएगा तब फर्टिलाइज्ड एग फिर इसमें डिवीजन शुरू होगा, डिवीजन के बाद क्या बनेगा, पहले मॉरुला स्टेज आएगी, मॉरुला स्टेज के बाद में ब्लास्टुला स्टेज जिसमें ब्लास्टोसिस्ट बनती है, उसके बाद गैस्ट्रुला स्टेज आएगी, लेकिन ब्लास्टुला स्टेज आने के बाद में ही ये ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज कहां जाएगी, ये यूट्रस में जाने के बाद तब जाकर इसमें सेट होगी। क्लियर हुआ, तो अब हम आते हैं यूट्रस पर, यूट्रस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यूट्रस जो दिख रहा है आपको ये स्पेशल स्ट्रक्चर है, अगर हम पूरा का पूरा देखें तो यूट्रस कहां से मिलेगा, यहां से लेकर के यहां तक स्ट्रक्चर यूट्रस का, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर से इसी में बेबी का डेवलपमेंट होता है, इसी में बेबी का डेवलपमेंट होता है। अगर फर्टिलाइज्ड एग का डिवीजन फर्टिलाइज्ड हो गया, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तब तो ये ओवा चला जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में बाहर, और अगर नहीं हुआ तब तो ये गया बाहर, और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर इस फर्टिलाइज एग में डिवीजन होगा और मॉरुला स्टेज, मॉरुला के बाद में ब्लास्टुला स्टेज जिसमें ब्लास्टोसिस्ट बनती है, उसके बाद गैस्ट्रुला स्टेज आएगी, तो ब्लास्टुला अवस्था में आने के बाद ये आ जाएगा और यहीं पर इसका प्लांटेशन हो जाता है, इम्प्लांटेशन में ब्लास्टोसिस्ट ही भाग लेते हैं। क्लियर हो गया, अदरवाइज नहीं। अब जरा ध्यान दें, अगर हम इसकी बात करें, किसकी, यूट्रस की बात करें, तो ये यूट्रस यहां से लेकर यहां तक इसमें भी कुल तीन भाग है। पहला कौन सा है, अपर, ये पैडी स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, यूट्राइन फंडस, क्या कहलाती है, यूट्राइन फंडस, और यूट्राइन फंडस के बाद में ये जो लेडिस बना रखी है, ये लेयर यहां से यहां तक पूरा, ये पूरा बॉडी ऑफ यूट्रस, क्या कहलाती है, बॉडी ऑफ यूट्रस या यूट्रस बॉडी, और जो सबसे नीचे होगी उसे हम बोलते हैं सर्वाइकल या केनाल के पास में वो कहलाती है सर्विक्स। हमने तीनों को तीन पार्ट में बांटा है, ए पार्ट में क्या है, फंडस रीजन, दूसरा है बॉडी ऑफ यूट्रस, और तीसरा है सर्विक्स। ठीक, तो फंडस रीजन ऊपर पैडी स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ऊपर का हिस्सा है, इसके नीचे इधर मेन जो यहां से यहां तक का पूरा हिस्सा है
वो क्या है, ये पूरा बॉडी ऑफ यूट्रस है। और बॉडी ऑफ यूट्रस के जो सबसे निचला हिस्सा होता है, जो एक नेक लाइक स्ट्रक, इसको हम बोलते हैं सर्विक्स। कोई दिक्कत? तो तीन पार्ट बढ़ गई। अब मेन चीज आपको समझने वाली बातचीत क्या है कि यूट्रस की जो साइज होती है लगभग 7.5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक ये लंबी होती है। यहां से 7.5 से 8 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसकी जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो लगभग 5 सेंटीमीटर होती है। याद रहेगा 7.5 से 8 सेंटीमीटर ये लंबी होगी और लगभग 5 सेंटीमीटर चौड़ी होगी, और थिकनेस जो होगी वो लगभग 3 सेंटीमीटर तक इसकी थिकनेस होती है। क्लियर? ये काफी मोटी मस्कुलर स्ट्रक्चर है, स्मूथ मसल्स की बनी होती है और ये फैलने का, यह इसमें सिकुड़ने और फैलने की विशेष से क्षमता होती है। इसी के अंदर बेबी डेवलप होता है और जब बेबी डेवलप होता है तो ये अपने साइज को बढ़ा। क्लियर हुआ? ध्यान दीजिए, पहला कौन सा है, फंडस रीजन, दूसरा मेन पार्ट कौन सा है, यूट्रस बॉडी, और तीसरा जो निचले का हिस्सा है सबसे नीचे की ओर यूट्रस का, उसे हम बोलते हैं सर्विक्स। अगर हम यूट्रस की वाल को देखें तो इसकी वाल में कुल 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहर की ओर होती है पेरीमेट्रियम, ये ब्लैक लाइन जो हमने बना रखी है, कौन सी है, पेरीमेट्रियम, और उसके अंदर जो थिक वाल दिख रही है वो स्मूथ मसल्स की बनी होती है, इसे हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। और जो इनर मोस्ट जो आप ब्लू कलर की देख रहे हैं वो कहलाती है इंडोमेट्रियम। हम आपको जरूर बता दें कि इंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर लेयर है, इंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर लेयर है। क्लियर? और इसी इंडोमेट्रियम से एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है। क्लियर हुआ? एम्ब्रियो जो मैंने बताया था अभी, क्या बताया था कि जब डिवीजन होता है जायगोट में तो पहले मारूला अवस्था, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनती है और ब्लास्टोसिस्ट ही स्टेज आकर इम्प्लांट हो जाती है, उसके बाद गैस्ट्रोअवस्था बनेगा। तो जो इम्प्लांटेशन की कंडीशन है वो किसकी है, यही किससे, इंडोमेट्रियम से। और अगर इंडोमेट्रियम से इम्प्लांटेशन नहीं हुआ या खाली ओवा निकल कर बाहर गया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये जब बाहर जाता है तो ब्लड के साथ साथ ये इंडोमेट्रियम की लेयर भी टूट टूट कर बाहर निकलता है और नए, यानी आफ्टर ए मंथ अप्रोक्सीमेटली 28 डेज, जब 28 डेज के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल दोबारा होती है उसके पहले ही ये नई वॉल डेवलप हो जाती है, ये नई वॉल डेवलप हो जाती है और नए सिरे से इम्प्लांटेशन के लिए तैयारी करती है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? तो ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। इसकी लंबाई 7.5 से 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, मोटाई 3 सेंटीमीटर की होती है और इसकी वॉल ट्रिपल लेयर्ड होती है, आउटर लेयर पेरीमेट्रियम, उसके अंदर स्मूथ लेयर की बनी हुई इन मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसे हम इंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। तो हमने आपको पूरा का पूरा यूट्रस बता दिया, यूट्रस के बारे में पूरा हमने आपको रिपीट कर दिया। बस इतना ही जानिए टोटल क्या है, 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर लगभग चौड़ा और 3 सेंटीमीटर मोटाई की ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है। काफी फ्लेक्सिबल होती है, इसी में बेबी का निर्माण होता है और इसी वाले से बच्चे दानी के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज क्लियर होगी? इसमें ही बेबी का निर्माण होता है। क्लियर हुआ? तो इसका इनिशियल पोर्शन, शुरुआत का ऊपर वाला हिस्सा फंडस, बीच का मेन बॉडी ऑफ यूट्रस और नीचे का जो लास्ट पोर्शन है उसे बोलते हैं सर्विक्स। क्लियर? और सर्विक्स के आगे वेजाइना। क्लियर? तो हम वेजाइना के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वेजाइना एक ट्यूबुलर केनाल होती है, ट्यूबुलर केनाल जो लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। क्लियर? 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसमें मस्कुलर सेल्स होती हैं, काफी थिक इलास्टिक वेजाइना होती है और ये आगे आकर यूट्रस में ही खुलती है। इसी रास्ते से
क्वाइटस के बाद स्पर्म आते हैं और फिर यहाँ से होते हुए इधर जाते हैं और स्टिमस में फुला के जंक्शन पर फर्टिलाइज करते हैं, फिर फर्टिलाइज एक डिवीजन करता हुआ आगे आकर यूट्रस में इम्प्लांट कर जाता है। कोई दिक्कत? तो ये सारी की सारी चीज। इसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सेसरी ग्लैंड्स, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे क्योंकि इस वीडियो में देने से वीडियो लंबा हो जाए, क्लियर। और इसके लिए अलग से डायग्राम, एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब बाहर से जो चीज दिखती है उसके बारे में डिटेल बताना है, और एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में भी हम डिस्कस बाद में करेंगे। तो आज इतना ही लेक्चर। समरी इसकी क्या है? समरी एक बार फिर, इतने ऑर्गन्स होते हैं, छह पार्ट में बांट लेंगे। नंबर एक ओवरी, ये है। दूसरी चीज ओविडक, यहां से यहां तक है, फेलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसे गैब्रियल फेलोपियस नामक साइंटिस्ट ने 1561 में डिस्कवर किया था, क्लियर हुआ। उसका यूट्रस ये मिला आपको, इसका ऊपरी हिस्सा फंडस, बीच वाला बॉडी ऑफ यूट्रस, नीचे सर्विक्स, और सर्विक्स के नीचे वेजाइना। वेजाइना 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सेसरी ग्लैंड्स हम आपको बाद में बताएंगे। तो आज का रहा मेरा ये लेक्चर, हमने अपना काम कर दिया। अब आप भी अपना काम करें, डायग्राम बना लेंगे, पूरे अच्छी से पढ़ाई करेंगे, देखेंगे, बुक से भी आप करेंगे रिवाइजन। जहां आपको ना दिक्कत समझ में आए, कोई दिक्कत ना हो तो ठीक है, अगर जरा सी भी दिक्कत महसूस होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके हमसे जरूर पूछेंगे, ओके। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बाकी कमेंट जरूर करिएगा कि कहां आपको दिक्कत होती है, हम कहां आपको और अच्छा समझाएं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।